हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं समी और मैं पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी जीएसटी के बारे में, और ये वीडियो मैं दोबारा डाल रहा हूँ जीएसटी की। और इसमें कुछ और ट्रिक मैंने इसमें डाली है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। और एक चीज़ मैं आपको और ये बताऊँगा कि इस वीडियो में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लंबी वीडियो नहीं देखनी होती है, लेकिन क्या होता है कि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें है ना वीडियो लंबी बनी जाती है, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा करके कोशिश करके भी छोटी नहीं बन पाती है। काफ़ी ज़्यादा छोटी करने के बावजूद भी फिर भी वो 47-50 मिनट की हो ही जाती है। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि मैंने आपको जिस टॉपिक के बारे में भी इस वीडियो में देखना है मेरी वीडियो में, तो आप क्या करेंगे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइमिंग के हिसाब से लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइमिंग के हिसाब से लिख दिया है जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा उस टॉपिक की मैंने टाइमिंग डाल दी है। आप उस टाइमिंग के हिसाब से आप मेरी वीडियो को आगे करके आराम से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें। और मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ ये भी बताऊँगा, ये एप्पल का फ़ोन है। अगर आप कोई चीज़ अमेज़ोन से फ़्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं तो इसका जीएसटी क्लेम कैसे मिलेगा, उस बारे में भी मैंने इस वीडियो में बात करी है। कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं तो उसका क्लेम कैसे मिलता है। दोस्तों मैं आपको शुरू में यही बात बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं अमेज़ोन से, आपने मान लो ये प्रोडक्ट ख़रीदा, मान लो ये मैंने ये 40,000 रुपये का मैंने फ़ोन परचेज़ किया, iPhone 11, ठीक है, तो इसमें 18% GST लगी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप GST नंबर से अपना लेते हैं तो उसमें क्या होता है उस कंडीशन में कि आप जब ITC क्लेम करेंगे तो ITC क्लेम के अंदर जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे, जब आप GSTR 1 के बाद जब आप GSTR 3 फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ITC में ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है और ये कैश लेजर में आपका बैलेंस इसका आ जाएगा। तो उसमें दो तरीके होते हैं उसे निकालने के, एक तो आपको रिफ़ंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसमें रिपोर्टिंग आ जाती है GST डिपार्टमेंट की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि एक तरीका ये होता है कि आप अगर आप GST रिटर्न करते हैं तो आप उस बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं और आप उस बैलेंस से GST ही भरें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मीशो के पोर्टल पर आ जाना है, पैनल पर। अब हम अपना रिपोर्ट हमें डाउनलोड करनी है। आप देख रहे हैं कि पेमेंट में आके आपको राइट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा जहाँ से पेमेंट देखते हैं। मैंने यहाँ पे सितंबर डाल दिया है, GST रिपोर्ट मुझे डालनी है। तो GST रिपोर्ट मुझे सितंबर की डालनी है 2022। जब ये डाउनलोड हो गई है, अभी डाउनलोड हो गई है तो मुझे अब इसकी फाइल पर जाना है। देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मीशो जो आपको GST रिपोर्ट देता है तो उसमें जो रिवर्स रिपोर्ट जो होती है उसमें वो माइनस में नहीं होती है, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन मैं इसमें आसान सा तरीका माइनस का करने का बताऊंगा एक्सेल से, कि ऑप्शन वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन मैं बहुत आसान इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, इसमें मीशो ने क्या किया है कि रिवर्स रिपोर्ट में उसने किसी में भी माइनस नहीं लगाया है, और माइनस न लगाने की वजह से थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। आप देखेंगे, अब सबसे पहले मैं इसकी फ़ाइल ओपन करता हूँ फॉरवर्ड रिवर्स की, जो हमारी सेल हुई है। तो मैं इसे एक्सेल पे ओपन कर रहा हूँ। अब मैंने इसे ओपन करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें न्यू शीट क्रिएट करनी है इसमें। न्यू शीट क्रिएट करने के बाद देखो दोस्तों, हमें इसमें सिर्फ 3 ही चाहिए होते हैं, इसमें बहुत बड़ा डाटा नहीं चाहिए होता। हमें सिर्फ
तीन लाइन का ऑप्शंस होता है। एक तो हमें चाहिए होता है जो स्टेट में जिसमें हमारा बिका है, दूसरा हमें चाहिए टैक्सेबल वैल्यू, और तीसरा जो है वो जीएसटी रेट जो होता है हमारा। तो हमें सिर्फ तीन ही चाहिए होते हैं। आप देखेंगे कि ये टैक्सेबल वैल्यू है, एसी और एडी, जो स्टेट है जहाँ पर हमारा माल गया था। तो हमें सिर्फ ये दो लाइन फ़िलहाल मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, इन्हें मुझे दो लाइनों को कॉपी करना है। मेरी वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ आपको जब ही समझ में आएगी जब आप इसे पूरी देखेंगे। अब मुझे डेसिबल हटाना है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबरों में होता है, तो हमें डेसिबल हटाने का भी मैं आपको इसमें तरीका बताऊँगा। लेकिन हमें पहले 18% जो जीएसटी रेट है इसका, 18 और 12, हमें ये दोनों लेने हैं। तो हम ये वाली टेबल भी ले लेते हैं पूरी। अब ये वाली टेबल हमने ले ली, अब मुझे इसके डेसिबल हटाने हैं। ये जो फालतू के नंबर होते हैं दोस्तों, इससे कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसे आप हटा लें तो बेहतर रहेगा। अब कन्वर्ट नंबर में मैंने कर दिया इसे, ठीक है। अब मैं टैक्सेबल वैल्यू को भी कन्वर्ट नंबर करूँगा, कन्वर्ट करके आपको डेसिबल करने हैं इसे। सबसे पहले आप लगा लेना, क्योंकि अच्छा होता है कि अगर आप इसे पहले लगा लें तो थोड़ा सा आसानी रहती है। अब इसे मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए कर दिया है कि ताकि मुझे स्टेट वाइज करने में आसानी हो। अब कन्वर्ट नंबर कर दिया हमने, अब इसके डेसिबल हटाने हैं। नंबर हटा लेते हैं इसके, ये मैंने हटा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुझे इस डी को भी बी में ले जाना होगा। मैंने कट किया है इसे, अब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जीएसटी के रेट को भी हम यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें दो तरीके की जीएसटी है लगी हुई है, एक 12% की है और एक 18 की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें 18 वाले को अलग करना है और 12 वाले को अलग करना है। इन दोनों की जो फाइल तैयार होंगी वो अलग अलग होंगी। अब दोस्तों, अब हमें न्यू शीट क्रिएट करनी है। ये तो टोटल हमारा हो गया, मैं इस शीट पे टोटल फॉरवर्ड टैक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें फ़िल्टर कर लेना है दोस्तों। ये 12 हैं, पहले मैंने इसका न्यू शीट क्रिएट करी, ये 18% की बनानी है एक, और एक 12% की बनानी है, क्योंकि हमारे दो टैक्स हैं। अगर 5% की भी आप लोगों की होती हो तो आप 5% की कर सकते हैं। मेरे फाइल में 18 और 12% वाला ही मैटर है, तो मैं इन दोनों की ही बना रहा हूँ। इसके बाद मैं इसकी कॉपी करता हूँ, 18% पे मैं इसे पूरा पेस्ट कर देता हूँ, और 12% पे भी मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ पूरे पूरे को। ये मैंने पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसमें फ़िल्टर कर लेना है। ये मैं इसे फ़िल्टर कर रहा हूँ 12 को। अब ये सिर्फ हमारी 12% वाली आ गई है। अब 18 वाले को मैं भी फ़िल्टर कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ इस शीट पर 18% ही चाहिए, 18% जीएसटी चाहिए। ये 18 की हो गई है। अब क्या करना है, हमें रिवर्स वाली रिपोर्ट लेनी है।
रिवर्स वाली हमें रिपोर्ट लेनी है, तो अब हमें रिवर्स वाली रिपोर्ट लेंगे इसमें। अब मैंने बाय -12% -18% ये मैंने शीट पे डाल दिया है। अब इसमें क्या होगा कि दोस्तों 12 की 12 से होगी और 18 की 18 में होगी, तो मैंने टोटल रिवर्स की मैंने इसमें रिपोर्ट डाल दी है। जैसा कि मैंने जीएसटी मीशो की जीएसटी फाइल देखी थी आपने, उसमें तीसरे उसमें से ही आपको निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों इसका जो टैक्सेबल वैल्यू वो माइनस में नहीं है, तो इसमें बस इसे माइनस में करने की वजह से थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता है। अब देख रहे हैं कि ये माइनस में नहीं है, तो अब मैं इसको वैसे ही पहले सेट कर लेते हैं इसे, जैसे हमने पहली वाली फाइल में किया था, रिवर्स में फॉरवर्ड में हमने किया था। अब इस रिवर्स वाली को भी हम इस तरीके से करेंगे। अब ये जीएसटी रेट तो हम जी, अब वैसे ही हमें इसकी कॉपी करनी है जैसे कि हमने पहले किया था। अब मैंने कॉपी करी है, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब 12% पर भी मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मुझे फ़िल्टर करना है, जैसे हमने पहले फ़िल्टर किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी फ़िल्टर कर लेना है। तो -12 है तो हमें 12 वाले जो जीएसटी हैं उस पर सिलेक्ट करके अब हमें इसे फ़िल्टर कर लेना है। ठीक है, सेल वैल्यू पे हमने ये फ़िल्टर कर दिया है। अब 18% में भी हमें यही करना है कि हमें इसे फ़िल्टर कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैं हम टोटल जो 18% है जो रिज़ल्ट निकलता है वो डालेंगे और टोटल 12% का डालेंगे, एक शीट और बनाएंगे हम। दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितनी बड़ी वीडियो होती है उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी वक्त लगता है इन वीडियो को बनाने में। तो अब आप देखेंगे कि हम ये 18% वाला जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, -18 हो गया ये। अब इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों अब ये जो समझने वाला जो मैटर है एक्सेल का, इसे माइनस में लाने का, तो मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये सबसे आसान है, वैसे तो बहुत सारे काफ़ी फॉर्मूले हैं इसके एक्सेल के माइनस में करने वाले, माइनस करने के लिए काफ़ी फॉर्मूले हैं, तो मुझे थोड़ा सा आसान यही वाला फार्मूला लगता है। ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला जो है मैं बताने वाला हूँ आपको, ये ज़्यादा आसान होता है और फार्मूले के हिसाब से। अब मैं इस फार्मूले को आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, -1
अगर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता ही होगा कि किसी भी संख्या से अगर हम डिजिट से हम इसे माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो वो माइनस में आ जाता है। आप जानते ही हैं इस बात को अच्छी तरीके से, आपने 10th में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर स्पेशल में जाएंगे हम, स्पेशल ऑप्शन पे जाके हम ऑल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे इसे। देखो दोस्तों, अभी सारे जो जो हैं ये सब माइनस में आ चुके हैं। डेसिबल कर देना है इन्हें, क्योंकि ज़्यादा संख्या हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा डिजिट हमें नहीं चाहिए, उससे खिचड़ी पक जाती है और कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अब इसके डेसिबल हमें हटा देने सबके। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि माइनस कैसे हुआ, क्योंकि कई लोगों को इसी चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है। अब ये मैं 18% पे मैं क्या करूँगा कि 18% पे मुझे जो फॉरवर्ड रिपोर्ट है और माइनस वाली रिपोर्ट है, इन दोनों को मैं यहाँ से कट करके और टोटल 18% पे ले आता हूँ। ठीक है, अब ये 12% वाले जो हैं ये भी मैं इसको कर लेता हूँ माइनस में। दोबारा से देख लीजिए आप, ये टोटल रिवर्स रिवर्स की मैंने कॉपी की है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको। से मुझे फ़िल्टर कर लेना है 12 को, क्योंकि ये 12 वाली शीट है। तो ये हमारे दोनों माइनस में आ चुके हैं। ठीक है, अब 18 वाली जो शीट है मैं इसकी कॉपी कर लेनी है। देखो दोस्तों क्या करना है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि 18 और -18 इन दोनों को हमें एक ही शीट पे लाना होता है, जिससे क्या होता है कि माइनस जो है वो माइनस हो जाए, जो प्लस होनी है वो प्लस हो जाए, और उससे फिर हमारा रिज़ल्ट निकल जाता है कि हमें किस स्टेट में हमें कितना टैक्स पे करना है, और इसी शीट के हिसाब से फिर हम GST R1 फाइल करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे मेथड से चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने टोटल कर दिया है। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, हमें शॉर्ट इसे कर देना है। पहले तो हमें इसका सीरियल वाइज हमें ले लेते हैं इसे। दोस्तों अमेज़ोन में क्या होता है कि उसमें पहले से ही माइनस में होता है, अगर अमेज़ोन में आप सेल करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें पहले से ही ये चीज़ें माइनस में ऑटोमेटिकली देते हैं, वो पहले से ही करके देते हैं, उसमें हमें इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। तो अब देखो कि मैंने इसको बिल्कुल ठीक से मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे पूरा मिक्स कर देना है। अब इसे शॉर्ट फिल्टर कर देना है हमें, शॉर्ट A to Z शॉर्ट एस फिल्टर, जो कि एक राइट साइड पर है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि राइट साइड पर ये ऑप्शंस है शॉर्ट एस फिल्टर का। अब हमें इसे पूरा सिलेक्ट कर लेना है,
पूरा हम सिलेक्ट करेंगे इसे। ये टोटल 12% वाली है तो इसे भी हम टोटल 12% में ले आते हैं, एक साथ ही इसे कर देते हैं। इसकी भी कॉपी कर दें, इसे नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी दो टोटल 18% और टोटल 12% हो चुका है। अब देखेंगे कि नीचे माइनस में आ रहा है और ऊपर प्लस में आ रहा है। अब इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला के लगाना है कि मतलब इसे मिक्स कर देना है हमें। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, मैं एक शीट और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे उससे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम इसमें शीट पर कर देते हैं तो बैक का ऑप्शंस बहुत मुश्किल से मिलता है। अब GST टोटल 18% की मैंने एक शीट क्रिएट करी है, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने ये शीट इसलिए क्रिएट करते हैं दोस्तों कि अगर गलती हो जाए तो हम दोबारा से उस चीज़ को कर सकें, क्योंकि पहली वाली फाइल अगर हम छेड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो A to Z कर लेना है हमें, शॉर्ट पर जाके ओके कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये लाइन तारी से जो चीज़ है, एक बार फिल्टर पर चेक कर लेना स्पेलिंग के डबल ना हो, ठीक है, क्योंकि फ़िल्टर पे डबल नहीं आनी चाहिए, वैसे तो डबल आएगी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लेंगे, आप सबको स्पेलिंग चेक कर लेंगे कि कोई एक्स्ट्रा ना आ रहा हो, उससे थोड़ा अगर आपका एक भी गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप जानते हैं कि हमें ITC के थ्रू ही इसे पता करना पड़ता है कि हमें आखिर GST भरनी कितनी है, जो ITC क्लेम जब हम करते हैं। तो अब मैं इसे कब टोटल करके देखूँ, सब टोटल करना हमें, और डाटा पे जाके हमें सब टोटल करना है। ध्यान रखें दोस्तों, डाटा पे जाएंगे हम और इसे सब टोटल करेंगे। ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया है, अब सब टोटल का मैंने ऑप्शन दबाया और जो जो कॉलम मुझे करने हैं वो सारे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ, हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा इससे। जी, अब ये GST का, अब देखिए दोस्तों, ये सारी जो फाइल जो है हमारी बन चुकी है, असम में, असम की, बिहार की, जो जो है वो सारी जो है ना, जो माइनस थी वो माइनस हो गई, जो प्लस थी वो प्लस हो गई, और टोटल जो हिसाब जो था जोड़ और भाग, जोड़ और घटा का, माइनस प्लस का जो भी था वो सारा जैसा भी था, जितना हमें माइनस करना था वो माइनस हो चुका है, जितना प्लस करना था हमें प्लस हो चुका है, जो भी हमारे स्टेट में गया था। तो उस हिसाब से हमारी ये शीट क्रिएट हो गई है। जो अब इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बस ये तीन ऑप्शंस है लेफ़्ट साइड में, 1, 2, 3, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का है, अब मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने 1 सिलेक्ट किया है। अब हमें दोस्तों ये, अब इसमें देखेंगे आप बिल्कुल कि पूरे स्टेट वाइज हमें दिखा दिया है कि हमें किस स्टेट में कितनी GST पे करनी है। अब हमें इसकी, हमें एक प्रिंट निकाल लेना है, ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसे मैं डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि ये फाइल रह गई थी। ये ज़ीरो वाली फाइल अगर आप में भी आ जाए तो आप इसे हटा देना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, हमें बस टैक्सीबल वैल्यू लेनी है। इसे मैं B को यहाँ से हटा देता हूँ और C का जो टैक्सीबल अमाउंट है मुझे इसे B पे लाना है, ताकि हमारे प्रिंट में, प्रिंट करने पे ये हमारे आमने सामने आए। अब GST 18 या 12% की ज़रूरत नहीं है लगाने की, मतलब उसकी प्रिंट में ज़रूरत नहीं है हमें GST रेट की। हमें पता है कि ये हमारी 18% वाली फ़ाइल है, बस हमें इतना याद रखना है। अब ये 18% वाली जो फ़ाइल है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम एक प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंट मैं निकाल रहा हूँ। इसमें मेरी, देखो दोस्तों, इसमें फ़ाइल नहीं आ रही है मेरी,
तो इसका मतलब नीचे कुछ दिक्कत है। तो मैं एक बार अपना पेज देख लेता हूँ, अगर आपके में भी अगर ये दिक्कत आती है तो आप भी इसे थोड़ा सा देख लेंगे कि ये जो GST रेडिट वाला है इसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि ये GST 18% वाली है, तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। थोड़ा सा इसे हम छोटा भी कर लेंगे ताकि ये हमारे पेज पे आ जाए पूरी तरीके से। जी अभी हमारे पेज पे पूरा आ रहा है, और दूसरे पेज पे हमारे ज़ीरो आ रहा है क्योंकि हमने उसे भी जोड़ दिया था जो खाली था हमारा, तो इसे हटा देते हैं हम। क्योंकि दोस्तों जब हम सब टोटल करते हैं ना, तो उसमें जो भी कॉलम होता है वो उसे जोड़ देता है, सब कर देता है, तो सम कर देता है इसमें। इसलिए आप क्या नाम है इसे अब प्रिंट कर लेंगे। अब दोस्तों ये तो देखो हमारा ये एक्सेल का जो मेथड है वो हमारा लगभग पूरा हो ही चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक्सेल में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि जो हमारे को मीशो से जो फाइल मिली थी, जो हमें उसमें काम करना था वो हमने उसमें कर दिया। अब हमें देखो दोस्तों ITC जो होता है, ITC के बिना पर ही हम क्लेम करते हैं, क्योंकि हमें उस मतलब GST फाइल करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हमें GST कितनी भरनी है। अब ये 12% वाली पे हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये -12 है। अब ये टोटल है, अब इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है जो हमने पहले की थी। हम एक नई शीट क्रिएट करेंगे, टोटल 12% रिवर्स की डालेंगे, GST 12% की। अब हमें क्या करना है, जो हमने उस वाले में मेथड में किया था वही हमें करना है। इसे पहले सबसे पहले तो टोटल GST पर हमें इसे नई शीट पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, -12 की। ये सॉरी ये थोड़ा सा डबल डबल हो गया दोस्तों, मैं इसे हटा देता हूँ। ये हमारे सिर्फ 12% में सिर्फ दो ही ऑप्शन, दो ही थे, इसमें ये गलत आ गया है, ये मैंने हटा दिया इसे। ठीक है, तो 12-12 में हमारे दो ही थे रिवर्स में, जो हमारे रिटर्न आए थे। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि A to Z शॉर्ट कर देते हैं इसे। अब हमने इसे मिला दिया है आपस में, सीरियल वाइज हमने कर लिया है। अब सीरियल वाइज करने के बाद आपको पता है कि हमें डाटा पे जाना है। डाटा पे जाके सबसे राइट क्लिक में सबसे लास्ट में हमें इसे सिलेक्ट करके सम सम टोटल कर लें। ठीक है, ये ओके कर दिया हमने, ये हमारा रिज़ल्ट फिर से आ गया है 12% वाले का, GST 12% का हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा बीच वाले को हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। अभी हमारा रिज़ल्ट आ गया है कि देखो दोस्तों गोवा का, झारखंड का, कर्नाटका का, त्रिपुरा का, ये टोटल निकल के आ चुका है कि जो भी हमें वहाँ पे भरना है। अब दोस्तों एक चीज़ हमारी थोड़ी सी ध्यान रखना कि अगर आपका इसमें माइनस में रिज़ल्ट आएगा तो आपको GST R1 में माइनस में ही उसे फाइल करना है। ध्यान रहे, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि अगर आपका इसमें किसी भी स्टेट का रिज़ल्ट माइनस में आता है तो आपको उसे माइनस करके ही GST R1 में फिल करना है। तो आप उसे GST R1 में, अब ये देखो दोस्तों सबसे बड़ा जो ज़्यादा जो काम होता था वो हमारे एक्सेल में ही होता है। अब GST R1 में और GST R3B में कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं बचता है हमारा। बस तीन ही चीज़ होती है, ITC फाइलिंग होती है, ITC रिटर्न होता है, फिर उसके बाद GST R1 होता है, फिर GST R3B होता है। तो GST R1 से डाटा GST R2A में जाता है, फिर लास्ट में 3B में जाता है। तो अब मैं अब लॉगिन कर लेते हैं इसे GSTR को, अपना पैनल लॉगिन कर लेते हैं। GSTR हमने लॉगिन कर लिया अपना GSTR पैनल। अब हमें सितंबर की देखनी है, ये लाइव है दोस्तों, पुरानी वीडियो नहीं है, अभी इस टाइम ये पैनल चेंज होता रहता है। तो अब हमें कहाँ जाना है, GSTR
आईटीसी क्लेम करना है दोस्तों, तो आईटीसी क्लेम करने का ऑप्शन आपको पता ही है कि आपको ऊपर रिटर्न पे ऑप्शंस पे जाना होता है। अब देखो दोस्तों, ये फैशनियर टेक्नोलॉजी के प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से जो मीशो वाला जो है वो इसी नाम से आपको पेमेंट करता है, इसी नाम से आपका कलेक्शन आता है, तो आपका पेमेंट भी इसी नाम से आएगी और जीएसटी में भी आपका इसी नाम से दिखाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे 62,072 और सप्लाई रिटर्न रेट नेट वैल्यू जो है 24,251 की है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आप पहले अपना ये देख लें कि एक्सेल में जो हमने शीट तैयार की है वो इससे मिलती जुलती है या नहीं है। अगर 1 रुपये का फ़र्क पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा का फ़र्क पड़ता है तो दोस्तों दिक्कत आ सकती है। तो वैसे दिक्कत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर ये ठीक ही करते हैं, और अगर दिक्कत आती है तो फिर आप किसी सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर वो आपको उसका सॉल्यूशन बता देगा। लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये आईटीसी में डैशबोर्ड में जाकर टीसीएस एंड टीडीएस का ये ऑप्शंस है। तो अब इसमें देखेंगे कि मैं इसे अपने शीट से मिला रहा हूँ एक्सेल से, जो मेरे पास जो अमाउंट बन के आया था, जो मेरे पास अमाउंट बन के आया था, मैं इससे मिला लेता हूँ कि मेरा ये पूरा प्रॉपर आया है या नहीं आया है, क्योंकि मेरा तो दोस्तों पूरा प्रॉपर ही आया है और आपका भी आएगा अगर आप थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे वीडियो को। तो आईटीसी क्लेम, आईटीसी कैसे फाइलिंग करेंगे, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऐसे ही दोस्तों इसमें अमेज़ोन का भी ऐसे ही दिखाता है, ठीक है। ये दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो टीसीएस क्रेडिट रिवर्स पे जाना है आपको, ठीक है। मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ, आपको भी इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब थोड़ी देर में ये क्या नाम है, थोड़ी सी फाइल में यहाँ पे कई बार एरर आता है, तो आप रिसेट करते रहना आप इस वाले बटन को। ये थोड़ा कई बार एरर करता है, दोबारा से मैं इसको थोड़े से आप इसे रिफ़्रेश करते रहना दोस्तों। ये प्रॉब्लम आती ही है क्योंकि थोड़ा सा सर्वर डाउन होता है, तो इसलिए दिक्कत आती रहती है। आप इसे क्लिक करते रहना थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में। दोस्तों ये आ चुका है अब, तो देखो दोस्तों ये आ चुका है, इसे एग्री कर लेना है और अपना सेलेक्ट करके आप इसे यस कर देना। यस करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, फाइल विद डीएससी, फाइल विद ईवीसी। मैं ईवीसी करूँगा क्योंकि इसमें ओटीपी आता है फ़ोन पे, तो यही इजी तरीका होता है। तो आपके जिस नंबर से रजिस्टर होगा जीएसटी, उस पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप उस ओटीपी को फिल करेंगे, तो फिल करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये सबमिट हो चुका है। तो देखो दोस्तों, ये मेरे लेज़र में, लेज़र बैलेंस में आईटीसी क्लेम का ऑप्शन दिखा रहा है, ये कितना बैलेंस बचा हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इलेक्ट्रिक कितना दिखा हुआ है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको।
तो दोस्तों ये हमारा ITC फाइल तो हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो हमारा आता है GSTR 1 का। जी GSTR 1 का ऑप्शन आता है। तो अब हमें GSTR 1 खोलना है। आप देखेंगे 7 जो कॉलम है B2C पे। अब यहाँ पर आपको जो आपने फाइल तैयार करी थी, जो हमने प्रिंट निकाला था, तो अब उसमें स्टेट वाइज आप जो भी GST है, जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है, पहले हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करके फिर उसके बाद हमें टैक्सेबल वैल्यू उस स्टेट की लिखनी है। तो जैसे हमने मीशो से शीट तैयार करी थी उसमें आपने प्रिंट निकाला ही था, तो अब मैं इसमें लिख रहा हूँ। और जो जिस रेट का है 18% 18%। तो अब हमें टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, रेट हमें सिलेक्ट करने हैं। रेट हमने सिलेक्ट कर लिए 18% है, 18%। अब यहाँ पे हमें सेव करना है इसे। तो अब हम सेव करेंगे इसे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेट लेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमने लिया। अब उसमें हमारे टैक्सेबल वैल्यू जो थी वो 1366 की थी, 18% हमने रेट डाला, फिर हम सेव करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो 12% वाला है और 18% वाला, ये एक ही बार टाइप होगा, ये दोबारा नहीं होता है। कभी भी आप गलती मत कर देना कि 12% और 18% डबल डबल डाल देना। ये जो उसमें रिज़ल्ट निकला है, जो आंसर आया है, आपको उसी हिसाब से डालना है। वैसे ही आपको स्टेट लेते रहने हैं, स्टेट वाइज स्टेज आप देख लो, डाल दें। मैं आपको थोड़ा सा आगे नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़े से ना कन्फ्यूज़न हो जाती है कस्टमर को, व्यूवर्स को। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे ही आपको किस तरीके से करना है। अब आप देख रहे हैं कि टैक्सीबल वैल्यू मैं बिहार की डाल रहा हूँ, बिहार में मेरा जो आया था, और उसके बाद मैं रेट डाल रहा हूँ 18% वाली हमारे पे फाइल है। ये दो फाइलें हमने निकाली थी, एक 12% वाली निकाली थी, एक 18% वाली निकाली थी। तो पहले 18% वाली पे काम करें, फिर 12%, आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे भी शुरू कर सकते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू आप देख रहे हैं कि मैं डाल रहा हूँ, और फिर क्या 18%, इसी तरीके से। तो अब आप देख रहे हैं ये दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि देखो, जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं, जैसे हमने मान लो कोई प्रोडक्ट ख़रीदा अमेज़ोन से, तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ना, पहले शो नहीं करेगा आपका। जब 3B आप फाइल कर जब आप 3B फाइल करेंगे ना, तो 3B में आपको वो शो करता है। जैसे हमने कहीं से भी कोई GST पे अपने नंबर पे या लैपटॉप ख़रीदा या मोबाइल ख़रीदा या कुछ भी हमने ख़रीदा, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। आदमी सोचता है कि क्या नाम है हमारा, क्या नाम है, GST क्या क्लेम नहीं आया हमारे पोर्टल पे, नहीं आया। तो दोस्तों वो ITC में नहीं आएगा, पहले वो आपका ITC क्लेम फाइल भरने के बाद वो आपका GSTR 3B जब आप फाइल करेंगे ना, तब वो उसमें शो करेगा। क्योंकि GSTR 3B जो होता है वो पूरा बायोडाटा होता है, पूरा डाटा होता है टोटल। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी फाइलें चेक कर लेनी है। जैसे कि हमें एक बार अपनी चेक कर लेनी, जो हमने GST एक्सेल फाइल से निकाली थी, तो हमें वो ठीक से पहले एक बार चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद अब आप देखेंगे कि प्रोसेस टू फाइल का ऑप्शन से आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर एक बार नीचे पूरा ये शीट चेक कर लेनी है आपको, अपने टैक्सेबल वैल्यू से मिला लेना है कि वाकई में इतना ही है या कम है। अगर 1-2 रुपये से कम हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए।
तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे अब हमें इसे प्रोसेस करना है। अब हमने ये चेक कर ली है, हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ तक डाउट। अब हम क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। फाइल स्टेटमेंट से क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट क्लिक करना है बॉक्स को, और सेल्फ में अपना जो भी नाम है आपका उसे सिलेक्ट कर लेना है। फाइल विथ EVC करना है, इसमें OTP आता है मोबाइल पे, OTP आएगा और यहाँ पर आपको उसे वेरीफाई करके सबमिट कर लेना है। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, मैंने वेरीफाई कर दिया, मेरी फाइल ये जमा हो गई है। अब थोड़ी देर में अब हम चेक कर लेते हैं, ये लेज़र बैलेंस में आपका जो भी है वो आ जाएगा। दोस्तों मेरी सितंबर का है ये। दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। 20/10 की मेरी डेट दे रखी है GSTR 3B की, वो फाइल कर लेनी है। इसके बाद ही जनरेट होगा 2A में, 2A से फिर ये 3B में आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद आप 3B फाइल कर लेना, मैं अगली वीडियो में आपको 3B के बारे में बता दूंगा। मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।